हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का आप ही सभी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के लिए इंग्लिश में पोएट्री में स्टैंजा के बारे में बात करेंगे। आपकी चार पोयम है आपके सिलेबस में, एक आपकी द फाउंटेन है, दूसरी कौन सी है, एक द नेशन बिल्डर है, और एक आपकी मेरे ख्याल से द पजल्म ऑफ लाइफ है, जल्म ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं उसको, और जो नई पोयम आई है वो है द विलेज सॉन्ग। तो चार में से हम आज की इस वीडियो में तीन पोयम आपको बताऊंगा, उनसे संबंधित स्टैंजा के कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, पिछले वर्षों के पेपर से संबंधित हैं। ये गारंटी नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ वही आए, बस आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, अनुमान हो जाए कि कैसे आपको इनको डील करना है। देखो, मैं क्लियर बोल देता हूँ, मैं इस आपको अंधेरे में नहीं रख सकता, क्योंकि आपका पूरा साल है, आप इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, और सिर्फ इस बात को लेकर कि जो कलाम को सलाम वाले यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं, सर बता रहे हैं वही आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन है, सिर्फ जो टीचर्स लोग होते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं, पिछले वर्षों के पेपर का एनालिसिस कर कर विश्लेषण करके बताते हैं कि यहाँ इनकी संभावना ज़्यादा है। अच्छा, आप ये सोचिए, अगर जिनकी संभावना है वो पेपर में ना आए तो क्या करोगे आप? आपका तो साल बर्बाद हो गया, आपकी तो परसेंटेज डाउन होगी ना। तो आपने क्या करना है, इसलिए मैं बार बार जोर देता हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि यही आएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो मैं आज आपको कराऊंगा गारंटी नहीं है एग्जाम में आए, पर आपको डील ऐसे करने हैं, ऐसे आपको देखना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पोएम मैं आपको बता देता हूँ, मैं चार में से तीन पोएम कराऊंगा, और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जो आपकी पोएम रह रही है द विलेज सॉन्ग, वो मैंने नहीं कराई है, अपने इस चैनल पर अपलोड नहीं की है वीडियो। तो अगर आप लोग चाहते हो उस पोएम के बारे में पढ़ना समझना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो तीनों पोएम के आज हम स्टैंजा करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो भी आपको मैं, ये तीनों तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूँ, तो इस पर मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा कि आपको कभी ऐसा लगे सर फिर से पढ़ाएंगे, नहीं, डोंट वेस्ट द टाइम, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए, ये ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, या अन्य कहीं से जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ लीजिए। तो चलिए, प्रवचन बहुत हो चुके हैं, अब शुरू करते हैं। पहली पोएम आपको दिखाई दे रही है द फाउंटेन, द फाउंटेन के बारे में आपने पढ़ा था, फव्वारा बोलते हैं इसके जो कवि है उनका नाम है जेम्स रसेल लोएल, आगे लिखा स्टैंजास फॉर कॉम्प्रीहेंशन, एक हमने चार लाइनें उठा ली है, इनटू द मूनलाइट फाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, पर फिर भी मैं अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूंगा, जानता हूं आप लोग इससे अच्छा नहीं पढ़ता, चलो फिर भी पढ़ देता हूं। पहला क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोयम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन, यानी कि जो आपको ये चार लाइनें दी गई है, जो कविता की चार लाइनें दी गई हैं, उसका टाइटल लिखिए। बात टाइटल का मतलब क्या होता है, टाइटल यानी कि वो पोएम किस बारे में है, टाइटल लिखिए, और जिससे ये लाइनें ली गई है, यानी कि ये चार लाइनें जिस कविता से ली गई है उस कविता का टाइटल लिखिए। टाइटल का मतलब कविता का नाम, टाइटल का मतलब कविता का नाम। अब आप आंसर देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिखा दिस स्टैंजा, क्या लिखा, दिस स्टैंजा has been taken, ये जो स्टैंजा है ये लिया गया है from, from का मतलब से, the poem, poem क्या है, the fountain, ये जो स्टैंजा है वो the fountain कविता से लिया गया है, composed by James Russell Lowell, जो लिखा गया है, कहा गया है, ये जो स्टैंजा कहा गया है James Russell Lowell द्वारा। हालांकि इन लाइनों में पोएट का नाम नहीं पूछा, पर हमने पोएट का नाम भी लिख दिया। तो क्या बताया हमने, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। अब आप इन लाइनों को दिमाग में बैठा लीजिए, रचा लीजिए, बसा लीजिए, अच्छे से फिट कर लीजिए, क्योंकि अब अगर फाउंटेन वाला क्वेश्चन बनता है तो आप लिखोगे दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। अगर आपका बनता है नेशन बिल्डर वाला बनता है, तो जहां पर आपने द फाउंटेन लिखा है वहां पर द नेशन बिल्डर आ जाएगा, और आगे उसके कवि का नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कवि का नाम, क्या होता है द नेशन बिल्डर के कवि का क्या नाम है, आर डब्ल्यू इमर्सन, राल्फ वोल्डो इमर्सन, क्या नाम है, राल्फ वोल्डो इमर्सन। नाइन्थ क्लास में पहली पोयम द
माउंटेन एंड द स्क्वायरल, पहाड़ और गिलहरी। उनके जो कवि थे उनका नाम था राल्फ वोल्डो इमर्सन, तो शॉर्ट में लिखा है RW इमर्सन। तो मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो यह बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको पोएम का टाइटल लिखना होगा तो आपने क्या करना है, द फाउंटेन की जगह उस पोएम का नाम लिख देना और उसके कवि का नाम लिख देना। तो पहला आंसर बना, दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन कंपोज बाय जेम्स रसेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। पॉइंट आउट यानी कि आपको बिंदु पॉइंट आउट करना है, आपको बताना है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, चलिए हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में व्याकरण में आपके दो टॉपिक्स होते हैं, एक विसर्ग, एक उपसर्ग होते हैं और एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं, जैसे आपको दे दिया वी का उपसर्ग बताइए, वी वे पर छोटे की मात्रा, वी का उपसर्ग। देखो उपसर्ग यानी आपको शब्द बनाने हैं जिनके प्रारंभ में, जिनके स्टार्टिंग में, जिनके बिगनिंग में वी लिखा हो, और जो भी शब्द बनाओगे उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। यानी आप रेलगाड़ी कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी आप शब्द लिखोगे उसके शुरू में वी होना चाहिए, और जो वो पूरा शब्द बन जाएगा उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे वी से होता है किसी का नाम होता है विकास, विकास का एक मतलब होता है, विशाल, विशाल का एक मतलब होता है विरासत। तो समझ में आया, उपसर्ग कौन से होते हैं, जो शब्द के, जो अक्षर, जो शब्द के आरंभ में लिखा होता है अक्षर, वो होता है आपका उपसर्ग। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो जो शब्द के आखिरी में लिखा होता है, जैसे कि ता, ता आ गया, ता प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, ता होता है एकता, एक नाम हो गया एकता, यूनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, राइट। तो एक और देख लीजिए, कुछ ध्यान आ रहा हो आप लोगों को, समानता, विभिन्नता, तो सबके कोई ना कोई मतलब है। तो उपसर्ग में हम स्टार्टिंग में लगाते हैं शब्द को, प्रत्यय में लास्ट में, यानी कि साउंड एक जैसा, प्रत्यय के जो लास्ट का होगा वो साउंड एक जैसा होगा। तो राइमिंग वर्ड्स का मतलब भी प्रत्यय ही होता है, प्रत्यय वाले शब्द। वहां हिंदी में था, यहाँ अंग्रेजी में था। अब आपको राइमिंग वर्ड्स देखने हैं, चारों लाइनों में देखिए कौन से आपको ऐसे शब्द दिखाई देते हैं जिनका आखिरी का साउंड यानी कि बाद का साउंड एक जैसा, जैसे लिखा हुआ है हमने आंसर में, स्नो एंड ब्लो। देखो स्नो ओ का साउंड आ रहा है, ब्लो ओ का साउंड आ रहा है, तो इसलिए आप स्नो और ब्लो ही होगा यहां पर, जो आपके एक जैसे साउंड के होंगे, अर्थात यहां पर ये राइमिंग वर्ड्स है। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, प्रत्यय लास्ट का साउंड एक जैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जैसा, राइट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, हिलना डुलना, गति करना, किस तरह की गति, डज द वर्ड जो शब्द है वेविंग सजेस्ट, यानी कि जो वेविंग नाम का जो शब्द है आपके चारों लाइनों में, वो किस तरह की गति की बात करता है, किस तरह के हिलने की बात करता है। अब आपने जो पढ़ा था वेविंग सो फ्लावर लाइक वैन द विंड्स ब्लो, यानी कि जब हवाएं चलती है तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, तो वही हमें लिखना है। देखो हमने ऐसे लिखा, द वर्ड वेविंग सजेस्ट, सजेस्ट में एस लगा दिया, जो वेविंग नाम का शब्द है वो सुझाव देता है, दैट की द फाउंटेन मूव्स, की फव्वारा मूव्स करता है, फव्वारा गति करता है, लाइक द फ्लावर, की जो फव्वारा है वो फूलों की तरह गति करता है, फूलों की तरह हिलता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। व्हाट कलर, कौन सा रंग या क्या रंग इज मिस है द फाउंटेन, फव्वारे का, इन द मूनलाइट, चांद की रोशनी में फव्वारे का रंग कैसा है, कैसा है। देखिए देखिए दूसरी लाइन को, वाइटर देन स्नो, वाइटर देन स्नो यानी कि बर्फ से भी ज्यादा सफेद। अब देखो कैसे लिखा हमने, इन द मूनलाइट, क्वेश्चन में लिखा इन द मूनलाइट, द कलर ऑफ फाउंटेन, फाउंटेन का जो रंग है इज मिस है वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद है, चांद की रोशनी में फव्वारे का रंग बर्फ से भी ज्यादा सफेद है, राइट। अगर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख देते, इन इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, इतने से भी काम चल जाता, लेकिन हमें थोड़ा सीखना है, राइट। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन द विंड्स ब्लो, फिर से वही क्वेश्चन, क्या होता है जब हवाएं चलती है, अरे जब हवाएं चलती है फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है, व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक द फ्लावर। When the winds blow, जब हवाएं चलती है, the fountain waves, फव्वारा गति करता है, like the flower, फूलों की तरह गति करता है, right? Next देखिए अगला पैरा, देखो इससे संबंध ये क्वेश्चन जो मुझे बुक में दिखाई दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिखाई दिए, मैंने लिख दिए। मैं दूसरा पैसेज कराता हूँ, दूसरा स्टैंजा कराता हूँ, फुल ऑफ नेचर, नथिंग नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट,
एवर द सेम। इससे संबंधित दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं, क्योंकि देखो अब मैं रिपीट नहीं करूंगा उन क्वेश्चनों को कि टाइटल कौन सा है, पोएट कौन सा है, तो वो तो आप समझ ही चुके हैं कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोएल। इसको तो आप ध्यान रख लीजिए, बस पोएम का नाम बदल दीजिए, कवि का नाम बदल दीजिए। चलो यहां पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन, क्यों नहीं रोका जा सकता फाउंटेन को। टेम का मतलब रोकना, नथिंग का मतलब कुछ नहीं या कोई भी नहीं, यानी कि फाउंटेन को, फव्वारे को क्यों नहीं रोका जा सकता। अरे भैया इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि चलना ही और कूदता उछल कूदना उछलना ये तो उसका नेचर है, ये तो प्रकृति की देन है, ईश्वर की देन है, और ईश्वर की दी हुई चीजों को थोड़े आप बदल दोगे, आप उसको थोड़े रोक लगा दोगे, उस पर रोक लगाई जा सकती है। जरा सोचिए अपने मन में, जो चीज आपको कुदरत ने दी है क्या उस पर रोक लगाई जा सकती, नहीं। नथिंग कैन टेम द फाउंटेन, हमने ऐसे लिख दिया नथिंग कैन टेम द फाउंटेन बिकॉज, क्योंकि इट इज फुल ऑफ नेचर, क्योंकि यह प्रकृति से भरा हुआ है, इट इज फुल ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द फाउंटेन रिमेन एवर द सेम, हाउ मीन्स कैसे डज द फाउंटेन रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, कैसे फव्वारा रहता है एवर द सेम, एक जैसा लगातार बना रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है। देखो बस लाइन हमें लिखनी है, इट चेंजेस, यह बदलता है एवरी मोमेंट, हर क्षण हर समय बदलता है, येट फिर भी, येट का मतलब फिर भी, येट फिर भी इट रिमेन्स, यह रहता है सेम फॉर एवर, फिर भी हमेशा के लिए एक जैसा रहता है, यानी कि हर क्षण बदलता रहता है। बदलने का मतलब फवारा, कभी थोड़ा सा पानी नीचे आया फिर ऊपर आया, नीचे आया ऊपर आया, पर फिर भी ये प्रक्रम चलता रहता है, इसलिए हमने कहा बदलता भी है फिर भी एक जैसा, बदलता भी है फिर भी एक जैसा। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, राइट। अब आइए तीसरे स्टैंजा पर, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस सनशाइन दी एलिमेंट, एक ही क्वेश्चन मुझे मिला इसमें, वही लिख दिया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, व्हाट आर द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तत्वों को बोलते हैं, कौन से तत्व है, क्या तत्व है और फाउंटेन। ये जो पैसेज आपको दिया है, ये जो स्टैंजा आपको दिया है, इसमें फव्वारे के कौन से तत्व बताए गए हैं, देखो ध्यान से पढ़ोगे, सीजलेस एस्पेनिक सीजलेस कंटेंट डार्क और सनशाइन दी एलिमेंट, आपको क्या दिखाई देगा, लास्ट के दो लाइनों को पकड़े, डार्कनेस और सनशाइन दी एलिमेंट, दी का मतलब उसका तुम्हारा, की अंधेरा और रोशनी, अंधेरा और रोशनी उसके तत्व है, तो कौन कौन से तत्व हो गए भैया, डार्कनेस और सनशाइन, तो हमने लिख दिया डार्कनेस और सनशाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, फव्वारे की क्या तत्व है, फिर से चारों लाइनों को पढ़ा, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, हमारे पास ये चार लाइनें आ गई है और क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, हमने पढ़ के देखा सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन दी एलिमेंट, अगर हमने अच्छे से समझा था तो आपने, हमने देखा डार्कनेस और सनशाइन दी एलिमेंट, डार्कनेस और सनशाइन उसके तत्व है, तो क्या है तत्व, डार्कनेस और सनशाइन, तो डार्कनेस और सनशाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। नेक्स्ट स्टैंजा, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, अपवर्ड लाइक दी, एक क्वेश्चन लिखा, व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, व्हाई मीन्स क्यों हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब संबोधित करना, एक एड्रेस पता होता है, सॉरी एक एड्रेस पता होता है, निवास स्थान कह सकते हो आप, और एक होता है संबोधित करना, संबोधित करना क्या होता है, कुछ ना कुछ बोलना, कुछ ना कुछ कहना, तो व्हाई हैज द फाउंटेन हैज बीन सॉरी व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब गौरवान्वित, शान शौकत, शान शौकत समझते हो ना, ग्लोरियस गौरवान्वित, गौरव से ऊंचा, यानी कि बहुत हाई, बहुत ही हाई लेवल, तो जो फव्वारा है उसको शानदार या शानो शौकत वाला क्यों कहकर संबोधित किया गया, फव्वारे को क्यों कहा है कि भैया तू शानदार है, क्यों कहा गया, उसका आंसर देना है। हमने देखो कैसे लिखा, द फाउंटेन हैज बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, देखो वहीं से लिखा क्वेश्चन में से, द फाउंटेन लिख दिया, हैज लिखा, बीन लिखा, एड्रेस्ड एज ग्लोरियस, ग्लोरियस तो एज इट इज लिख दिया, जू का तू लिख दिया, उसके बाद बिकॉज क्योंकि इट इज फ्रेश, क्योंकि ताजा है, चेंजफुल है एंड कॉन्स्टेंट स्थिर है, ताजा है, परिवर्तनशील है और स्थिर है, इसलिए इसको शानदार कहा गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव, व्हाट क्वालिटीज, क्या विशेषता, क्या गुण, क्या विषय, क्या क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन फव्वारे की डज द पोएट विश टू हैव, यानी कि कवि कौन सी इच्छा करता है, फव्वारे फव्वारे के अंदर कौन से गुण चाहता है, कि जो फव्वारे के अंदर गुण है, जो फव्वारे के अंदर की विशेषता है, वही मेरे अंदर आ जाए, कैसे, कौन कौन से वो गुण है, फिर से वही रिपीटेशन, द पोएट विशेस टू हैव, कभी इच्छा करता टू हैव रखने की, फ्रेश चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन, कवि फव्वारे की तरह ताजा रहना चाहता है, चेंजफुल रहना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है फाउंटेन की तरह, राइट। अगली पोएम द पजल ऑफ लाइफ, द जल्म ऑफ लाइफ भी कहते हैं, द पजल ऑफ लाइफ भी बोलते हैं,
जो इसके कवि है पोएट एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, क्या नाम है, एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, फिर से बोलिए एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, मस्ती कीजिए, पढ़ते जाइए, टेंशन नहीं लेने का, अगर मेहनत अच्छी करोगे फल अच्छा मिलेगा, राइट, टेंशन मत लीजिए। पहला स्टैंजा लिखा हमने, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अ डेस्टाइन एंड अ वे बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड दिस फार्दर देन टुडे, राइट। पहला क्वेश्चन, हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, हाउ मींस कैसे शुड वी एक्ट इन लाइफ, एक्ट का मतलब काम करना इन लाइफ, जिंदगी में हमें जिंदगी में कैसा काम करना चाहिए, अरे अच्छा काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, अच्छा काम, वी शुड एक्ट इन एक्ट गुड इन लाइफ, हमें जिंदगी में अच्छा काम करना चाहिए, सो दैट का मतलब ताकि आवर कंट्री कुड प्रोग्रेस, ताकि हमारा देश प्रगति कर सके, उन्नति कर सके, आवर कंट्री कुड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब उन्नति करना, प्रगति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ही मिला मुझे, चलिए दूसरा स्टैंजा आ गया, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बवाक बायोक ऑफ लाइफ बी नोट लाइक डम ड्राइवन कैटल बी अ हीरो इन स्ट्राइफ, चार लाइनें हैं, क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू, व्हाट हैज द वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा है द वर्ल्ड, वर्ल्ड आपको पहली लाइन में दिखाई देगा स्टैंजा में, द वर्ल्ड दिखाई दे रहा है पहली लाइन की, स्टैंजा की पहली लाइन में लिखा इन द वर्ल्ड ब्रॉड, तो द वर्ल्ड ये कह रहा है कि व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू, यानी कि जो द वर्ल्ड नाम का शब्द है वो किस चीज से तुलना की गई है उसकी, किस चीज, द वर्ल्ड नाम का जो शब्द है किस चीज से उसकी तुलना की गई है उसके बारे में हमें बताना है, राइट। अब देखिए क्या है, द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर टू फील्ड ऑफ बैटल, पहली लाइन में आंसर लिखा है कि युद्ध के क्षेत्र से तुलना की गई है, द युद्ध के क्षेत्र से तुलना की गई है, द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर टू, द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर टू फील्ड ऑफ बैटल, जो वर्ल्ड नाम का जो शब्द है उसकी तुलना युद्ध के क्षेत्र से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी बिकम अ हीरो, हम एक हीरो, हम एक नायक कैसे बन सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इफ वी आर नॉट लाइक डम्ब एंड ड्राइवन कैटल, यदि हम डम गूंगे जैसे ना हो, पशुओं की तरह ना हो, वी कैन बिकम अ हीरो। देखो ये जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हाउ कैन वी बिकम अ हीरो, हम एक नायक की तरह कैसे बन सकते हैं, तो बहुत सारे हम ऐसे भी बोल सकते थे इसको कि यदि हम गूंगों की तरह, पशुओं की तरह व्यवहार ना करें तो हम एक हीरो बन सकते हैं, और अपनी मातृभूमि के या देश के लिए अच्छा काम करें तो हम एक नायक बन सकते हैं, तो देयर आर सो मेनी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल के बहुत सारे आंसर है, तो हमने तो ऐसे लिखा इफ वी आर नॉट लाइक डम एंड ड्राइव एंड कैटल वी कैन बिकम हीरो, क्योंकि हमें आसान भाषा में सीखना है, यदि हम गूंगों की तरह, डम का डीफ एंड डम, गूंगा बहरा ही बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को, डम डम्ब एंड ड्राइव एंड कैटल, पशुओं की तरह ना हो तो हम एक नायक बन सकते। अगला स्टैंजा, let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अगला क्वेश्चन मिल गया आपको, what should we learn, हमें क्या सीखना चाहिए, we should learn to labor and to wait, हमें मजदूरों की तरह सीखना चाहिए और प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, यानी कि सीखने का काम बिल्कुल एक मजदूर की तरह होना चाहिए, मालिक की तरह नहीं होना चाहिए, we should learn to labor and to wait। देखो आखिरी की लाइन में आंसर लिखा भी हुआ था, learn to labor and to wait, learn to labor and to wait, learn to labor and to wait, right? Next question नहीं है, अगली poem देखिए, the nation builder, राष्ट्र निर्माता, अरे the puzzle of life का मतलब क्या था, जीवन का भजन, जिंदगी का भजन, right? तो RW इमर्सन ने लिखा द नेशन बिल्डर को, पहला स्टैंडर्ड ये रहा आप लोगों के लिए, नॉट कॉल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर्स सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। मैं पहले बता रहा हूँ, हिंदी किसी को नहीं बता रहा हूँ, कभी आप लोगों को लगे कि रटवा नहीं रहा हूँ भाई लोगों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने करा दिए हैं, क्योंकि अगर फिर से बता दिया तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, बोर हो जाओगे, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे आप, जरा गुस्सा आ गया, और आप मैं हम चाहते ही नहीं कि आप लोगों को गुस्सा आ जाए, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल अच्छे मन के साथ जुड़िए, तो इसलिए खैर, नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। What is the meaning of, पहला क्वेश्चन, what is the meaning of a people in the second line में लिखा a people great and strong, तो ये पूछा गया है जो second line में a people लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब राष्ट्र है। The meaning of a people is a nation in the second line, the meaning of a people is a nation in the second line में जो a people है उसका मतलब nation है, एक राष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन, what type of man are needed to make a nation great and powerful, what type of man, किस तरह के आदमी की are needed, जरूरत है to make, बनाने के लिए a nation, एक राष्ट्र को great and powerful, महान और शक्तिशाली, एक राष्ट्र को, एक देश को महान और शक्तिशाली बनाने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है, किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, देखो कहां से लिखा होगा, man who for truth and honor sake are needed to make a nation great and powerful, ऐसे आदमी जो सत्य और सम्मान की खातिर, man who for truth and honor sake, सत्य और सम्मान की खातिर,
बात समझ में आ गया, यानी कि सच्चे लोग और सम्मान की कदर, सम्मान वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है एक राष्ट्र को महान और पावरफुल या शक्तिशाली बनाने के लिए। और आखिरी स्टैंजा, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप एंड लेफ्ट देम टू द स्काई। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ब्रेव मैन इन द स्टैंजा गिवन इन द स्टैंजा, जो स्टैंजा में दिया गया है कौन कौन सी विशेषताएं दी गई है बहादुर व्यक्ति की। नंबर एक ऐसे लिख दिया हमने, ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर स्लीप, देखो दूसरी लाइन में लिखा होगा वाइल अदर स्लीप, हमने ब्रेव मैन जोड़ दिया, ब्रेव मैन वर्क, ब्रेव मैन बहादुर लोग काम करते हैं, वाइल अदर स्लीप जब दूसरे सोते हैं। नंबर दो, ब्रेव मैन डेयर, बहादुर लोग साहस दिखाते हैं, डेयर का मतलब साहस जज्बा जुनून दिखाते हैं, वाइल अदर फ्लाई जब दूसरे भाग जाते हैं। यहाँ पे फ्लाई का मतलब उड़ना नहीं है, ये अंग्रेजी मुझे इसीलिए समझ में नहीं आती, एक 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 शब्द के कितने मतलब बता देते हैं। पीके वाली मूवी याद आ गई होगी, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है लेकिन यहाँ पर भागना है, तो भैया दिमाग खराब करके रखते हैं, पर कोई नहीं, जब सिलेबस में पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा नंबर था ब्रेव मैन डेयर वाइल अदर स्लीप, जब दूसरे लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं तो बहादुर लोग साहस दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन अ नेशन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग, कैसे एक राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, शक्तिशाली बनाया जा सकता है। देखो कैसे जो बहादुर लोग होते हैं वही उसको उसके पिलर को उसके स्तंभ को मजबूत करते हैं, और ऐसे ही हम एक नेशन को एक राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। तो हमने लिखा ब्रेव मैन बिल्ड अ नेशन पिलर डीप देन अ नेशन कैन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग, बहादुर लोग एक राष्ट्र के स्तंभ को गहराई तक मजबूत करते हैं, बनाते हैं, देन तब अ नेशन तब एक राष्ट्र कैन बी बिल्ड स्ट्रॉन्ग, तब एक राष्ट्र मजबूत बन सकता है, बनाया जा सकता है, ऐसे भी बोल सकते हो। अगला और आखिरी क्वेश्चन, हु बिल्ड अ नेशन पिलर डीप, यानी ये BUILD, LD है दोस्तों, ये बिल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बिल्ट लिखा हुआ है, माफ कीजिएगा गलती हो गई, हु बिल्ट क्या लिखा है, हु बिल्ट लिखा हुआ है ए नेशन पिलर डीप, यानी कि राष्ट्र के स्तंभ को मजबूत तक गहराई तक कौन बनाता है, कौन बनाएगा, अरे कौन बनाएगा भैया, वो लोग तो बनाएंगे नहीं जो सोते हैं, वो लोग तो बनाएंगे नहीं जो भागते हैं, वो ही तो बनाएंगे जो बहादुर होते हैं, बहादुर कौन है, ब्रेव मैन, ब्रेव मैन बिल्ड अ नेशन पिलर डीप, बहादुर लोग ही, जुनून से भरे हुए लोग ही एक राष्ट्र के स्तंभ को गहराई तक मजबूत बनाते हैं, गहराई तक बनाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई है 3 पोयम, उनके स्टैंजा से संबंधित क्वेश्चन आंसर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो आपको पता है आपको कहाँ का दरवाजा खटखटाना है। तो मेरा शायद मैंने आपसे पूछा है या नहीं अभी वीडियो में, मुझे पता नहीं, मैं फिर से पूछता हूँ, एक पोयम आपकी है द विलेज सॉन्ग, अगर आप पढ़ना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी ऑफ दैट पोयम, उस पोयम को पढ़ना चाहते हो तो प्लीज टेल मी, आप मुझे बताइए कि आप पढ़ना चाहते हो, दैट यू वॉन्ट टू स्टडी, कि आप लोग पढ़ना चाहते हो द पोयम, कौन सी पोयम को, द विलेज सॉन्ग, जिसको कहने वाली है, गाने वाली है सरोजनी नायडू, अगर उसके बारे में आपको पूछना है, समझना है, करना है कुछ उसके बारे में, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, तभी करना भैया, देखो जोर जबरदस्ती किसी पर नहीं है, जोर जबरदस्ती किसी भी विद्यार्थी पर नहीं है, लेकिन अगर सच्ची में दिल से बोलना, अंदर मन से अगर आवाज आती है ना कि हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है, तब जाके लाइक करना, वरना तो डिसलाइक भी जरूर करना, पता होना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कहाँ, हमारा स्थान है कहाँ, हमारा स्टेटस कहाँ है, हमें कहाँ पर वर्क करना है, कहाँ पर मेहनत करनी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही, आऊंगा आप लोगों के लिए कोई नए टॉपिक्स लेकर, या आप लोग मुझे बताइए और क्या चाहिए आप लोगों को, बताते जाइए, वीडियो लेते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए, और अंत में फिर से कहूंगा मैं परमपिता परमेश्वर से, आप सभी अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए, प्रिय विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की के लिए कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।